साइड में आ जाओ, बीडी बोलो। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। एक बार और कुलदीप, एक बार और जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। देखिए आप जो है राकेश टिकैत जी के पेज से देख सकते हैं, इस समय राकेश टिकैत जी के पेज से आप जो नज़ारा देख रहे हैं वो दासना केएमपी हाईवे का है। आप यहां से देख सकते हैं कि किसान जो है दासना के ऊपर केएमपी हाईवे पे सुबह 8 बजे से बैठे हुए हैं। और इस बैठने का जो कारण है वो भी आपको स्पष्ट है कि 4.5 महीने से दिल्ली की दहलीज पे किसान सड़कों पर है और उसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। तो संयुक्त मोर्चे की कोल के आह्वान पर आज जो है ये केएमपी हाईवे का जाम का निर्णय लिया गया था। देखिए दोस्तों आज हाईवे जाम है क्योंकि यहाँ पर टिकैत साहब विराजमान है। ये हैशटैग था आज सुबह से, और सुबह जब 8 बजे शुरुआत की इसी जोश के साथ कि आज केएमपी हाईवे जाम है, तो आज हमारे इस आंदोलन की कड़ी में टिकरी के सामने जो स्लिप रोड है वहाँ पर किसान बैठे हैं, और जो कुंडली के बीच में, कुंडली और खेकड़ा के बीच में जो पड़ता है टोल, वहाँ पर एक आंदोलन है। ये आप दासना है, आप देख सकते हैं टिकैत साहब यहाँ पे चार पाई पे बैठे हुए हैं, किसान चारों तरफ घूम रहे हैं और ये सड़क पूरी तरह से बंद है। कुछ लोग कहते हैं कि परेशानी होती है, हमने कल भी कहा था, संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया था कि देखिए जो केएमपी हाईवे है ये हाईवे कार के लिए बहुत कम प्रयोग किया जाता है, इसके बहुत अल्टरनेट रोड हैं। अगर इस पे कोई कहीं भी है तो ऐसा नहीं है वो जा नहीं सकता, एक भी गाड़ी इस पे फंसी नहीं है। और ये तय किया गया था कि जो भी कारें होंगी उनको छोड़ दिया जाएगा और जो इमरजेंसी वाहन होंगे उनको भी निकाला जाएगा, लेकिन अगर कोई नीचे उतर के जाना चाहे तो जा सकता है। तो आज असली मकसद उसका यही था कि जो सरकार बहरी है, जिसके कानों में किसानों की आवाज़ नहीं जा रही है, तो उसको बढ़ाया जाए। इसी क्रम में हम आपको दिखाना चाहते थे कि किस तरह से केएमपी पे किसान अभी भी जमा है। रात 8 बजे कल सुबह 8 बजे इसका समापन होगा और अब जो है 9:15 के आसपास हैं, तो यानी कि 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। तो सवाल यही था कि आज केएमपी हाईवे, साइड में आ जाओ सब लोग, केएमपी हाईवे जाम है। टिकैत साहब आप मौजूद हैं केएमपी हाईवे पर और आपके साथ तमाम किसान मौजूद हैं, और आज ये कॉल आपने दी थी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर, यहाँ सब लोग आए, आप बाहर थे, जैसे ही आप पहुँचे आप भी हाईवे पर पहुँचे
और आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे खाट बिछा के बैठे हैं टिकैत साहब। और ये संस्कृति है हुक्कर और खाट, ये संस्कृति से जोड़ा जाता है। तो आप कई दिन से बाहर भी थे तो काफ़ी लोग उत्सुक हैं। पिछले 2-3 दिन से सही तरीके से आपको सुन नहीं पा रहे थे, करीब 1,500 लोग अभी आपको सीधे आपसे मुखातिब हैं। तो आज हाईवे जाम है, इसी पर चर्चा करते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? हाईवे जाम है तो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है संयुक्त मोर्चा की कॉल है और सारी जगह पर रात को हम हरियाणा वाले उस पर भी जाएंगे अभी देख करने और फिर यहाँ पर आ जाएंगे वापसी रात में यहीं रहेंगे। और तैयारी लोग कर ले अपना, जो इलेक्शन लड़ रहे लोग इलेक्शन लड़ गए और दिल्ली की तरफ फिर आ जाएंगे। अपना गेहूं की फसल कटाई का समय है, गन्ने की कटाई का समय है, बुआई का समय है, ये सारा काम करके आ जाए लोग तक थी। ये लोगों को आना पड़ेगा और ये आंदोलन चलाना पड़ेगा हमको। अपना लोग ताम झाम लेके अपना वो आए नहीं, लोग आएंगे आंदोलन। सरकार अलग तरीके से इसको डील करना चाह रही है, वो चाह रही के लोग ऐसे ही चले जाएंगे यहाँ से, उठ लोग जाएंगे नहीं पूर्ण रूप से जब तक कानून वापसी नहीं होंगे, किसान घर वापसी नहीं करेगा और जब तक MSP पे कानून नहीं बनेगा। अभी भी आप देखोगे तो 1400 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीद हो रही और बिहार में हम थे, बिहार तो पूरा बर्बाद हो गया बिहार भी, क्योंकि बिहार में मंडियां 2006 से मंडियां बंद है, वहां पे कई घास जम गई मंडियों में, किसानों की फसलों की खरीद नहीं होती, लूट होती है। तो ये लूट तो बंद करनी पड़ेगी, इसके लिए आंदोलन चल रहा है। तो सभी जवानों से हैं, सभी किसानों से हैं, जो छात्र हैं उनसे है कि वे आए और इस आंदोलन का हिस्सा बने। ये भी यहाँ से भी एक आंदोलन चल रहा है, रात में KMP पे है, यहाँ पे भी लोगों से बातचीत ध्यान से हो रही है। अच्छा कल 8 बजे तक रहेगा ये प्रोग्राम। अचानक अभी कई मीडिया से फोन आए, कई लोगों के फोन आए और एक मीडिया में जो कई दिन से मीडिया में भी सुस्ती थी, बलबीर राजेवाल जी आए आपसे, आते गाजीपुर बॉर्डर मिलने आए, आज ही आप पहुंचे और उसके बाद आप यहां पे पहुंच जाते हैं, इसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। तो क्या कोई ये एक मतलब आपसी भाईचारे में, जैसे आप भी कई बार उनसे मिलने चले जाते हो, तो आंदोलन के विषय में कोई चर्चा थी या कोई मैसेज है लोगों में बड़ी सुगबुगाहट है कि साथ तो सरकार कोई बातचीत कर रही है, कैसे और चलना है क्योंकि आंदोलन कितना लंबा चल जाए उसकी ये भी नहीं पता, उसकी रूपरेखा बढ़ाने की बातचीत है। वे यहाँ पर आए थे, अब अभी रात में ही हम इसका ढांसा इस बॉर्डर की तरफ जाएंगे, कहाँ कहाँ रोक रखे उन्होंने, वहाँ पर लोग से मिल आएंगे। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी मुलाकात महत्वपूर्ण हो जाती है कि कल 2 दिन से संयुक्त मोर्चा की बैठक चल रही थी, राज्यपाल जी वहाँ मौजूद रहे, आप थे नहीं, तो जैसे ही आप पहुँचे तो आपसे मिलने आए, तो तमाम तरह की बातें हैं और ये किसान संगठनों का आपस का समन्वय भी है कि कुछ दिन के बाद एक दूसरे से मिलते रहते हैं। तो इस मुलाकात के पीछे कोई और बात तो नहीं है? नहीं, वो तो चर्चा है कि कैसे मूवमेंट को आगे चलाना है, क्या क्या कर रहे हैं, तो 10 तरह की बात होती है। राज्यपाल जी एक सीनियर लीडर हैं हमारे संयुक्त मोर्चे के, तो उनसे समय समय पर सलाह मशवरा करते रहते हैं, जब कई दिन हो गए उनसे नहीं मिले गए तो आज आए हुए उनसे बातचीत उनसे हुई। अच्छा कोविड प्रोटोकॉल को लेके हर राज्य में बड़ी दिक्कतें की जा रही हैं, आपकी मीटिंग थी झारखंड में, वहाँ पे सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल लगा दिया, मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही किया, अनुमति निरस्त कर दी गई। तो जहाँ जहाँ किसान पंचायतें हो रही हैं, चुनाव नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, वहाँ पे टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है और जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ टेस्ट ही नहीं किया जा रहा, तो ये क्या राजनीतिक हथियार के तौर पे या किसान आंदोलन को दबाने के लिए कर रही है सरकार? कोविड का एक नया हथियार अब पॉलिटिकल पार्टी को मिल गया, सरकार को खास करके, जहाँ चुनाव है वहाँ पे ये कोविड जाता नहीं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो 2 तारीख के आसपास ये कोविड दिल्ली के चारों तरफ आ जाएगा, ये मोर्चों पर भी आएगा फिर, और ये होगा कि
शाहीन बाग की तरह वो प्लान एक सरकार कर रही है, जैसे शाहीन बाग का आंदोलन खत्म करा तो इसी तरह से और कुछ नहीं मिला तो कोविड को हथियार बना के इसका वो खत्म करते, लेकिन वो गलत फहमी निकालते, ये कोविड आ जाओ या कोविड के सारे रिश्तेदार आ जाओ, ये आंदोलन ना खत्म होगा, ये आंदोलन यहाँ का ही रहेगा, उसकी जो गाइडलाइंस होगी उसका पालन करेंगे। ये बात तो निश्चित है कि आंदोलन लंबा चलना है और उसी तैयारी में सब लोग जो है आए भी हैं और आज ये आह्वान भी किया गया है। तो हरियाणा में एक अजीब सी स्थिति है, वहाँ पे काफ़ी संयुक्त मोर्चा दो दिन से मंथन भी कर रहा है, तो वहाँ पर आज स्थिति ऐसी है कि विरोध के नाम पे कोई भी कॉल दे देता है तो लोग इंतज़ार नहीं करते, पहुँच जाते हैं, कई बार टकराव की भी स्थिति है। तो संयुक्त मोर्चे ने भी कहा है कि भाई देखिए विरोध हमारा काले झंडे नारे लगाने का है, इससे ज़्यादा काम करने का नहीं है और कोई हिंसा ना हो इसके लिए मर्यादा में और लोकतांत्रिक तरीके से ही आप आंदोलन करें, फिर भी वहाँ पर जबरदस्ती जानबूझ के हिंसा हो इसलिए के थल में जो है दुष्यंत चौटाला ने एक कार्यक्रम रख दिया और एक मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सिंगू बॉर्डर के पास एक कार्यक्रम रख दिया। तो इस तरह की चीज़ें हरियाणा में हो रही हैं, तो हरियाणा वासियों की जो गर्मी है उसको कैसे आप इसको रोक पाएंगे, इसके लिए कोई छोटा सा जाएंगे कल बात करेंगे उनसे हरियाणा वालों से। तो कल जो विरोध कितना करना है, किस हद तक विरोध करना है, तो उनसे बातचीत के बताएंगे, उसके गाइडलाइंस पूरी तय करेंगे। तो कल साथ सिंगो बॉर्डर पर जो सर्व जाती है सर्व खाप पंचायत हो रही है, अंतिल खाप ने बुलाई है, आप भी उसमें जा रहे हैं? हाँ उसमें जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो जहाँ पे मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है उस क्षेत्र में अंतिल खाप का ही वो एरिया है और उसी को लेकर कल बैठक भी है। तो दूसरा ये था कि इतनी बड़ी लड़ाई, और मैं नहीं पूरा जितने जो अभी आपसे जुड़े हैं और मीडिया का भी सवाल है, आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही कि आंदोलन है और तमाम किसान सड़कों पर हैं, इस तरह सरकार फैसले कर रही है कि जैसे सरकारों को उकसावा या इस तरह की कार्रवाई कराना चाहती हो किसानों से, जिस तरह से 500 रुपये मतलब 58% दाम बढ़े हैं DAP के, पहली बार मतलब 20 साल में या मैं कहूँ कि दो दशक में सबसे बड़ी वृद्धि है, कभी इतनी बड़ी वृद्धि खादों की कीमतों में एकदम नहीं हुई। तो बाकियों का भी एक आया था कि स्थानीय स्तर पर काम के बाद प्रदर्शन करेंगे, तो क्या सरकार को ये दिखता नहीं कि आप जो है रेट नहीं बढ़ा रहे हो, MSP दे नहीं पा रहे हो और जो मार किसानों पर पड़ रही है, अगले साल 2022 आ जाएगा तो क्या संभव है कि आमदनी दोगुनी होगी या किसानों की जो है जो निगेटिविटी है वो दोगुनी होगी इन चीज़ों को लेकर? आमदनी तो नहीं बढ़ रही, खाद की कीमतें बढ़ रही, बातचीत सरकार कर रही रही, क्या ये सब्सिडी के नाम पर वापसी मिलेंगी, क्या ये जैसे गैस के सिलेंडर थे वो किसान का हर्ष होने वाला है? नहीं, इसमें तो कोई सब्सिडी नहीं है, सब्सिडी देने के बावजूद इतने रेट हैं, तो कीमतें बढ़ा दी गई, कंपनियों ने ये कहा है कि हमारा खर्चा बढ़ गया तो हमने रेट बढ़ा दी। ये तो किसानों को सोच रहा कि उनको क्या करना है, नहीं तो यही हाल रहा तो आंदोलन चलते, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही तो आंदोलन ना हो तो देश में क्या होता अब तक? नहीं तो सरकार ने ये कह दिया कि हम सब्सिडी नहीं बढ़ाएंगे। दरअसल यूरिया में क्या है कि यूरिया की अगर कीमतें बढ़ती हैं तो सब्सिडी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, इसलिए यूरिया की कीमतें नहीं बढ़ती, लेकिन जिस तरह से कंपनी को हाथ में दे दिया DAP को और जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं तो किसान की सब्सिडी वहीं की वहीं रुक जाती है, तो इसको आवश्यक है कि सरकार सब्सिडी बढ़ाए, सब्सिडी बढ़ाए। हाँ, तो सरकार उससे मुकर रही है, तो ये भी एजेंडा रहेगा, एजेंडा रहेगा आने वाले टाइम पे जब बातचीत होगी तो एजेंडा रहेगा। हरियाणा में बहुत सारे 4-5 युवा गिरफ्तार भी कर लिए, 307 के पर्चे दर्ज हो रहे हैं, कल वहाँ तय करेंगे उनमें बैठ के, वहाँ पे कल जब हरियाणा की मीटिंग होगी तो उसमें तय करेंगे सारी चीजें। धन्यवाद, आपके साथ जो है राकेश टिकैत जी फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव थे और आपने सभी विषयों को जाना और सुना, और किसान की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए इसे आगे शेयर करिए। और हम आपको दिखाते हैं एक बार फिर नज़ारा कि आज KMP डासना के ऊपर किसान किस तरह से अपनी दिनचर्या के हिसाब से बैठे हैं।
ये देखिए, आप देख रहे हैं गौरव टिकेत जी भी सड़क के उस पार हैं। इस तरफ राकेश टिकेत जी हैं और इस तरफ गौरव टिकेत जी हैं। सब अपना जो आप कर रहा है,